न्यूज 18 का सियासी सफर आ पहुंचा है ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। ग्वालियर पूर्व विधानसभा, वो विधानसभा जहां से बीजेपी के उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश सिकरवार। अठारह के विधानसभा चुनाव में जहां मुन्नालाल गोयल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो वहीं सतीश सिकरवार बीजेपी के। पहिया पूरा 360 डिग्री घूम गया है और उसके साथ घूम गई है पूरी सियासत। हम चलेंगे ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच और जानेंगे कि आखिरकार क्या हैं उपचुनाव के मुद्दे। तो आइए चलते हैं। जिन्हें राजनीति से मतलब नहीं है उनके लिए लूडो सबसे बढ़िया टाइम पास है आज के वक्त में। हालांकि लॉकडाउन के वक्त में बहुत ज़्यादा ये सारे गेम पॉपुलर हो गए हैं और इस वक्त भी देख सकते हैं कि हम ग्वालियर पूर्व विधानसभा में हैं। पूरा सियासी जमावड़ा, प्रचार का जोर शोर चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जिनके लिए राजनीति के कोई मायने नहीं उनके लिए ये लूडो सबसे बढ़िया टाइम पास है। क्यों भैया, ये चुनाव में आप व्यस्त नहीं है क्या? चुनाव उनाव से कोई मतलब नहीं रख रहे? नहीं। क्यों? कोई मतलब ही नहीं है। तो वोट भी नहीं देते क्या? वोट देंगे। देंगे तो वोट क्या देख के देंगे फिर? सतीश सिकरवार को। अच्छा, क्यों सतीश सिकरवार को क्यों देंगे? कांग्रेस को वोट देता हूँ। अच्छा, कांग्रेस को देते हैं? क्या खूबी है कांग्रेस में? कांग्रेस शुरू नहीं था, हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया है। अच्छा, तो इससे पहले मुन्नालाल जी को दिया था? नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस में थे। तो मुन्नालाल कांग्रेस में? हेमंत कटारे को, अटेर में। अच्छा, आप वहाँ के हैं क्या? भिंड के। यहाँ आप बन गया आपका? आप यहाँ बन गया। अच्छा, डीडी नगर में एक्चुअली में ज्यादातर लोग जो हैं वो भिंड से या इस तरफ के जो इलाके के लोग हैं वो ज्यादातर यहीं आके रहते हैं। अच्छा, आप बताओ भैया, आपकी क्या पसंद है? बीजेपी। बीजेपी पसंद है? अरे वाह, ये कांग्रेस के हैं और ये लूडो के हैं? मैंने लूडो साथ में खेला है बीजेपी और इस लूडो के खेल में, वैसे तो मालूम नहीं चुनाव का मालूम नहीं है, लेकिन इस लूडो के खेल में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया है। लो भैया, ये तो अभी तो चुनाव नहीं हो पाए और हारोगे बीजेपी। देखिए, बैटल ये जीता है, वॉर में ही जीतूंगा मैं, बता रहा हूँ। बैटल लूडो जीता, लेकिन वॉर ही जीते। बीजेपी को लगातार बहुत दिलचस्प बात है ये। भैया ये बताइए, ये तो लूडो के खेल में तो हार जीत हो गई है, अभी तो असली हार जीत तो 10 तारीख को होनी है। बिल्कुल होनी है। बीजेपी ने काफी क्षेत्र में काम किया है, दीनदयाल नगर हमारी जो विधानसभा है बीजेपी का गढ़ रही है, और इस बार भी सारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। हमारे जो मुन्ना लाल जी है उनने भी काफी काम कराया है। तो अच्छा, ये तो ठीक बात है। क्या ये दल बदल कोई विषय नहीं है यहाँ पे, कि जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी के हो गए, जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस के हो गए? दल बदल इतना विषय काम नहीं करेगा, जो प्रत्याशी क्षेत्र में काम कर रहा है उसको महत्वता ज्यादा देंगे, उसी को वोट दिया। ठीक है भैया, हाँ आप बताइए, आपकी क्या राय है? सतीश सिकरवार। क्यों सतीश सिकरवार? क्यों मुन्नालाल को नहीं देंगे? मुन्नालाल ने धोखा किया जनता के साथ। तो सतीश सिकरवार ने भी तो वही किया जो मुन्नालाल ने किया। सतीश सिकरवार को टिकट चाहिए था, जनता की सेवा करनी है। तो कल को फिर नहीं मिलेगा तो फिर बदल लेंगे वो? बिल्कुल नहीं, काम करेंगे अच्छे से, जीतेंगे वही से टिकट दिए। तो मतलब कुल मिला के आपके लिए दल बदल कोई विषय नहीं है? कोई विषय नहीं, कैंडिडेट। चुनाव में सतीश सिकरवार और मुन्नालाल गोयल जी खड़े हैं, ये पता है आपको? हाँ पता है। चुनाव जो हो रहे हैं वो दरअसल दल बदल की वजह से हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नेताओं को जरा भी इस बात का इल्म होता है कि उनकी जनता किस हाल में जी रही है कोई भी फैसला लेने से पहले? भैया देखो, क्या है कि अब ऐसा था, पहले सतीश सिकरवार बीजेपी में थे और उसके बाद मुन्नालाल कांग्रेस में थे। अब उसके बाद इनका क्या हुआ है ये नहीं पता, अपन तो इतना जानते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, चाहे कोई सतीश सिकरवार हो चाहे वो। वोट क्या देख के देगा भैया? अपन वोट नहीं देंगे। देंगे ही नहीं? क्यों? हमारे घर वाले देंगे। और दूसरी चीज क्या है कि अपन पे वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, हमारा वोटर कार्ड नहीं बना, वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है। ये तो बनवाना चाहिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी चाहिए था, लेकिन अब वो चीज कर सकते ना, हालांकि डाला लेकिन अभी तक आया नहीं है। अच्छा, एक चीज और हम ये दिखाना चाहते हैं, जरा वो देखिए, बुरी नजर से बचाने वाला एक यंत्र आ गया है जो
हर शहर में दिखाई देता है, और ये भी यहाँ पर लेकर आए हैं। भैया कितने लेके आए हैं ये नींबू मिर्च? 30-35 है वो तो लाता हूँ, 1700 दुकानों पे लगाता हूँ। 1700 दुकानों पे? किस किस चीज से बचाता है ये? नजरों से बचाता है, मतलब ग्राहकी सही चलती है, किसी का पैर खराब होता है उससे बचाता है। लोग वहाँ घरों में ही लगवाते हैं, मकान दुकानों में लगवाते हैं, गार्डन में लगवाते हैं, मंगले। नेता लोग नहीं खरीदते, उनको जरूरत रहती है? हाँ, मंगले में लगा के आया हूँ मैं, सिटी सेंटर नेता को। बीजेपी कांग्रेस दोनों लगाती है? दोनों के यहाँ लगाते हैं। अच्छा, अधिकारी भी लगाते हैं क्या? अधिकारी लगवाते हैं। अच्छा, सब लगवाते हैं? सब आपके ग्राहक हैं? बुरी नजर सबको लग सकती है। जो चुनाव लड़ रहा है वो भी ले रहे हैं क्या, जो चुनाव वाले? ऐसा कुछ नहीं, उन्हें नजर नजर का फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसे काम नहीं करता। पॉलिटिक्स में काम नहीं करता है? ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये नींबू मिर्च पॉलिटिक्स में काम नहीं करता है। भैया क्या विषय चल रहा है इस बार चुनाव में? जिन्हें ये समस्या, ये गड्ढा है रास्ता, हमारी गली गली बेकार है, बहुत समस्या बेकार है गली में हमारी, गली समस्या है। हाँ, गली में। तो जो चुनाव में इन पे चर्चा हो रही है कि पार्टी बदल रही, इस पर चर्चा हो रही है? नहीं, बहुत लड़ी समस्या सही है, वो खाली रास्ता बेकार है बस। रास्ता बेकार, आप बताइए। आप पार्टी बदलने पे ही चर्चा हो रही है, बल्कि कोई काम नहीं हो रहा है। विकास तो कुछ है नहीं है, सड़कें वैसी वैसी पड़ी हुई है, बस नेता बदल रहे हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेता बीजेपी पहुंच जाते, बीजेपी ने देखे इसमें वो आते, लेकिन कोई ही काम नहीं कर रहे आजकल। तो फिर क्या होना चाहिए फिर? हम तो ये कहते हैं कोई ऐसा विधायक वो जो अच्छा काम करे, और हम उसी को वोट देंगे। वैसे अभी तक जो मुन्ना लाल गोयल ने जो काम किए हैं वो अभी तक अच्छा किया है, और हम उन्हीं को पूरा संपूर्ण समर्थन करते हैं। भैया आपका क्या विचार है आपका? भैया हमारे कोई विचार नहीं है, हमें किसी से कुछ नहीं संपर्क रखने, नहीं कुछ से कोई संपर्क नहीं है। नहीं, हमें किसी को वोट ही नहीं देना। क्यों? नहीं देना, मर्जी है। अच्छा, तो नोटा में नहीं डालोगे? नोटा में डाल, नोटा में डाल देंगे, चलो जाओ नोटा। अच्छा, नाराजगी बहुत है मतलब आपकी? अरे पहुंचे नाराजगी से क्या करेंगे, अपन आप काम कर रहे हैं, बा काम में हूँ, मतलब अपन को नहीं मिल रही तो अपन क्या करेंगे? मतलब कोई सुनता नहीं है समस्याओं के बारे में? वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, मतलब सबकी अंधी चल रही है। हाँ ठीक है, तो इनकी बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर के कोई सुनता नहीं है, और वो इस बार नोटा में वोट देंगे। तो ये एक मिजाज है राजनीति में जनता का, जहाँ पर जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं गौड़ हो जाती हैं, और पार्टियां नेता ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। हम चलेंगे इस सफ़र पर लगातार, और आपको और भी पहलुओं के बारे में बताएंगे। विधानसभा में ग्वालियर का प्रमुख बाजार मुरार इलाका भी आता है, और हम उसी बाजार में आए हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग अपनी छोटी छोटी दुकानों के जरिए किस तरीके से लोग अपनी रोज़मर्रा की दुकानें चलाते हैं और अपना घर खर्च चलाते हैं, उनके लिए राजनीति कितना मायने रखती है ये हम बात करेंगे। चुनाव की क्या चर्चा चल रही है? चुनाव चर्चा ठीक चल रही है। कांग्रेस को आना चाहिए। किसको आना चाहिए? कांग्रेस। अच्छा, क्यों आना चाहिए? इससे आदमी परेशान हो गया बीजेपी। हाँ, ये आदमी दुखी है सब। अच्छा, धंधे गए सब कुछ चला गया, आदमी को क्या करेगा? इसलिए आदमी नहीं होता। तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या, ये महंगाई मुद्दे है सारी चीज़ें, और क्या मुद्दे? गरीब आदमी क्या चाहिए? रोजी रोजगार धंधा यही चाहिए, और क्या? हाँ, आप लोग यही चाहिए? हमारी धान बिच गए, जब 1400 रुपये जब कौन रखे, अभी जो खातो आ रहा 1250 सौ कोई कट्टा अच्छा धान है, क्या करेगा जब बीजेपी में? हाँ, धान का रेट नहीं मिल रहा है। हाँ, मिल रहा 1400 रुपया कौन ले रहा है, और DAP को कट्टा ले जाओ 1250 को, क्या करे भाई? जो अखबार पढ़ रहे हैं बहुत दिलचस्पी के साथ में, क्या महत्वपूर्ण खबर है आज? इसमें महत्वपूर्ण आते हैं अखबार में, तो जितनी होते हैं तो महत्वपूर्ण ही होती हैं। आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण है? हमारे तो कांग्रेस जीती है, कोई महत्वपूर्ण है? कांग्रेस की हवा है मतलब? जी। क्या क्या लग खास है कांग्रेस में जो आपको लगता है कि जीतना चाहिए? कांग्रेस ने जब से कांग्रेस आई है शासन किया है, गरीबों की तेजी रही है, और अच्छे काम किए हैं, बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, और जो बिकाऊ लोग हैं इनको वोट देना बिल्कुल गलत है। वोट दे दिए कि 5 साल के लिए जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में काम करेंगे, ये थोड़ी है कि आप
तीन दिन बाद चले जाओ, पार्टी छोड़ के चले जाओ, पद से इस्तीफा दे दो। पार्टी छोड़ के तो सतीश अग्रवाल भी आए हैं। देखो वो कोई विधायक नहीं था, विधायक पद पर नहीं रहा है। वो तो पार्टी छोड़े तो मत तो महत्व है। हाँ, विधायक को जनता 5 साल के लिए चुनती है, ना कि 5 दिन के लिए। चले ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए एक अलग महफिल सजी हुई है। तो विषय बताओ साहब, जीतेंगे मुन्ना गोयल जी? देंगे साहब, जीतेंगे। क्यों, क्या खास है मुन्ना लाल में? पता नहीं साहब, बहुत उनने बहुत जाया करी है, बहुत माटा से आटा बाटा। आटा माटा है, कह रहे आटा माटा है भाई। मैंने दो पूरी कला कर भगा दिया, मैंने भगा दिया। क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी के माले ये इसलिए बैठे हैं जी। ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। कोरोना है, कोरोना में जो है खत्म हो गया, खत्म हो गया कोरोना। उनके लिए खत्म हो गया, खत्म हो गया। आम आदमी के लिए कोरोना है, बीजेपी वालों के लिए कोई कोरोना नहीं, कांग्रेस वालों के लिए कोई कोरोना नहीं। उनके लिए कोरोना है ना, उनके लिए है, उनके लिए है। मगर बीजेपी वालों को कोई कोरोना? ऐसा क्यों? ऐसा कार्य पार्टी उन्हीं की है, शासन उन्हीं का है, प्रशासन उन्हीं का है। कांग्रेस पैसा दे रही है, ताजा जी बोल रहा है। अगर ये बेरोजगार हो तो नहीं तो जी नहीं बोलता यार, पैसा मिलेगी, तनखा मिलेगी। ऐसा कुछ सुनती ना, शुभ कर ले, हाथ जोड़ ले, नोर कर ले, भैया काम लाए जी। चार पांच पैकेट और बांट जाते क्षेत्र में तो तैयार वोट देते। ठीक है। ये जो है चर्चा, शायद ये यही चंबल है, यही ग्वालियर है, जहाँ राजनीति दरअसल हर गली गली में आपको मिल जाएगी। और यही लोकतंत्र की खूबी भी है कि लोग, जितने लोग उतनी राय उतने मत। और ये मत जब ईवीएम में कैद होते हैं तो फिर उनसे लोकतंत्र का भविष्य तय होता है। नेता भी तो सुनते हैं, कुछ बातचीत वगैरह सुनने आते हैं कि नहीं? समझते हैं वो लल्लू टेमो नहीं बेचते। ईमानदारी बात कह रहा हूँ, मैंने बेटा खत्म ना है, बेटा तो देने में वोट तो देते होंगे, वोट देते कि नहीं? नेता करेंगे सो हुए वो। हाँ, नेतने की चलती है, मतलब है चलती तो नेता की, जब गुजर करें बैसे नहीं की, जब गुस्से बनने की जा को मत जैसा बन जाता जो जिसका मत बन जाता उसको दे देते हैं। जीता जो वो जीता आए हो दे देंगे। बाबा तो कांग्रेसी है, वोते कांग्रेसी है। दादा कांग्रेसी हो क्या? ना ना बेटा, मुझे कैसे कह रहे हैं फिर कांग्रेसी है? फिर नहीं खाए कर देंगे तो बात बजे तो रहे बजे भी बुरा बजे में कर तो वोट वैसे जनता में जीता हूँ भी थे। लो जनता में दे रहे, वे कह रहे कांग्रेसी है, वो कह रहे क्या? नहीं नहीं, हमें तो वोट जीता है, सही बात है, जनता वाले हैं। ठीक है ठीक है, ये भी एक रंग है सियासत का, और हम चलेंगे आगे कुछ और रंग देखने के लिए। मुद्दा है आपके लिए इस बार चुनाव में? कौन बढ़िया काम कर रहा है? कौन कर रहा है? पंजा। पंजा अच्छा कर रहा है? क्या क्या बढ़िया कर रहा है ये तो बताओ। अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है? अच्छा कर रहा है। तो क्या अच्छा कर रहा हो जो तो बताओ। जी अपने समस्या से खत्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो करेंगे। बस हमारी ना गरीबी रेखा के पास बनवा दी। अच्छा। हाँ तो बना नहीं आपको गरीबी रेखा? नहीं बनो। अरे कैसे नहीं बनो हमारा? क्यों? तो चालू बोल चालू नहीं बनो। हाँ। सफेद वारो। हाँ। बोल चालू ना ने। क्या बोल देते हैं वो? अबे बढ़िया पारा और वही नहीं। अच्छा आप बताइए कि नेताजी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? आ रहे हैं। तो क्या आपने डिमांड रखी अपनी, क्या मांग रखी उनके सामने? जी ये लाट बिजली का नल का बिल ज्यादा बड़ा के आ रहा है। हाँ, उसे समस्या दूर करो। कम होना चाहिए और घर में ये गली में सुविधा होना चाहिए। माई कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको, कैसा उम्मीदवार जीतना चाहिए? सतीश अग्रवाल बढ़िया वो करेंगे मन से पहले। ऐसा तो नहीं कि प्रचार कर रहा है इसलिए बोल रही है, अपने मन से बोलिए। नहीं, इन्हें पहले से ही बार अच्छा किया है तो सब उसके कारण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ जनता की राय है, हम चलते रहेंगे और जो पहलू हैं वो हम आपको सियासी सफर के बताएंगे। पूनलाल गोयल जी, किस तरीके से चल रहा है?
रहा है कोरोना के बीच में अपना प्रचार? कोरोना की महामारी है और कोरोना से लोग भयभीत हैं, लेकिन इस कोरोना के बीच अपना कर्म भी पूरा करना है। चुनाव सामने है, लोकतांत्रिक के फर्ज को ही निभाना है जनता को, और चूंकि चुनाव है तो हमको जनता में भी जाना है। तो हमारा प्रयास है कि सोशल डिस्टेंस बनी रहे, सभी लोग मास्क का पालन करें, ये हमारा प्रयास, मेरे मास्क आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग जो विषय उठा रहे हैं, कौन कौन से आपको लगता है कि प्रचार के दौरान मुद्दे ज़्यादा बढ़े हैं? आप हमारा नुमाइंदा क्षेत्र में अमन चैन शांति सद्भाव का वातावरण पैदा करें और गरीब सरबरा वर्ग के हितों के लिए काम करें, क्षेत्र में प्रगति विकास के रास्ते। लेकिन आप पे आरोप बहुत सारे लग रहे हैं कि आपने पार्टी बदल ली, आप दूसरी पार्टी में चले गए, इस तरीके के आरोपों का क्या जवाब है? हमारा फैसला उसूलों के लिए था, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान हो रहा था, मेरे नेता सिंधिया जी का भी अपमान हो रहा था, तो ये फैसला उसूलों के लिए था। जनता का अपमान और हमारे नेता सिंधिया जी का अपमान, ये दोनों कारण रहे जिसके कारण 22 विधायकों को पार्टी छोड़ना पड़ी। तो निश्चित तौर पर यदि हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान नहीं होता, हमारे नेता सिंधिया जी का अपमान नहीं होता, तो इतनी बड़ी घटना घटती नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे खुशी है कि क्षेत्र में प्रगति विकास के तमाम सारे काम हुए, 200 करोड़ की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी हैं। क्षेत्र के अंदर जो मेरे गरीब थे उनको पट्टे देने का भी काम सरकार ने किया है, करीब 700 परिवारों को पट्टे मिल चुके हैं। तो हमारा मकसद वही है कि क्षेत्र की प्रगति विकास और गरीब सरहारा वर्ग की लड़ाई मजबूत करने का। अच्छा, ये आपका मुकाबला आप एक ऐसे प्रत्याशी से है जो पहले आपकी पार्टी में थे और आप अब उनकी पार्टी में हैं, तो इस वजह से इसको आप कितना मानते हैं कि कितना मुश्किल भरा हो सकता है? ये फैसला जनता करेगी, वो तो व्यापारी लोग हैं, उनका मिशन कोई राजनीति करने का नहीं है, व्यापारी लोग हैं। 7 बार टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार को, 7 बार, और 7-8 टिकट देने के बाद ये भाग गए। और क्षेत्र के अंदर आतंक का राज मचा रखा है, सारे नगर निगम ठेके पर बुचलाते हैं, शराब के ठेके बुचलाते हैं, रेत के ठेके बुचलाते हैं, सामुदायिक भवनों का कब्जा वो करते हैं। हमारा काम राजनीति में नहीं है, हमारा काम सीधा क्षेत्र की प्रगति विकास है। तो ये निश्चित तौर पर जनता देखेगी कि गुंडा माफियाओं को चाहती है या शांति सद्भाव जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको चाहती है, फैसला जनता करेगी। ये है नंदलाल गोयल जो प्रचार में कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने सियासी सफर में। इसी तरीके की और राजनीतिक तस्वीरें जनता के बीच के तमाम पहलू हैं, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे और ये हमारा सफर इसी तरीके से जारी रहेगा। सतीश जी, आप प्रचार में लगे हुए हैं, क्या जनता का मूड समझ पाए हैं अब तक? देखो, जनता पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरे उत्साह से परिपूर्ण है, और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरे आम लोग, आम जनता, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, ठेकेदार हो, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए प्राण पर से जुटे हुए हैं। जिन लोगों ने जनता का जनादेश का अपमान किया है, जनता के जनादेश को ठुकराया है, जिन्हें 5 साल के लिए जनता ने चुन के भेजा, उन्होंने पैसे की खातिर जनता के जनादेश का अपमान किया है, जनता के वोट को बेचने के काम किया है। आज लड़ाई वोट की और नोट की है, और एक तरफ वोट है, एक तरफ नोट है। जिस जनता ने जो वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने नोट से वो सरकार गिराई है। अब जनता ये तय करने वाली है कि नोट की ताकत है कि वोट की ताकत है, और जनता अपने वोट की ताकत से नोट की ताकत को हराएगी। अच्छा, लेकिन वो भी तो ये कह रहे हैं कि आपको टिकट दिया, आपके परिवार के सदस्यों को टिकट दिया, लेकिन आपने भी वही कदम उठाया जो मुन्नालाल गोयल ने कहा। मैंने कोई बीच में जनादेश का अपमान नहीं किया, मैंने जनादेश का अपमान नहीं किया है। उनको 5 साल के लिए जनता ने चुन के भेजा था, उन्होंने बीच में चुनाव थोपाने का काम किसने किया है? किन्ने किया है? मैंने किया है? काम किसने किया है? जनादेश किसने ठुकराया है? जीत के जनता ने किसको जिताया? उन्होंने क्या किया? पार्टी की पीठ में खंजर भोंपा, उन्होंने पार्टी को छोड़ के
भाजपा की सरकार पैसे की दम पे बनवाई और अब जनता वोट देकर फिर सरकार कांग्रेस की बनाएगी। और जो नोटों की सरकार है वो 10 तारीख को उसकी विदाई तय है। ये सरकार कोई जनता ने नहीं बनाई है, ये जनादेश से सरकार नहीं बनी है, ये सरकार नोटों की दम पे बनी है और अब जनता अपने वोट की ताकत से पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएगी। देखो इस समय एक ही विषय है, जिन्होंने पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा है, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, जिन्होंने पैसे की खातिर जनता के वोट का अपमान किया है, जनादेश का अपमान किया है, जनता अपने अपमान का बदला लेगी और इनकी जमानत जब्त करेगी। पूर्व के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो डेवलपमेंट के हो सकते हैं, उन विषयों को लेकर इस बार कम चर्चा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप उन विषयों को उठा पाएंगे बाद में? अभी तो जनता कुछ सुनने नहीं चाहती, अभी तो जनता इन बिकाऊ लोगों के पीछे पड़ी है और केवल अभी बिकाऊ का वाला मामला भी है, उसके अलावा 15 महीने में दलाली का अड्डा बनाया है 16 ग्वालियर विधानसभा को। यहाँ कितने दलाल अली बाबा 11 चोरों की गैंग ने जिस तरह ग्वालियर की जनता को लूटा है, कर्मचारियों को लूटा है, व्यवसायियों को लूटा है, ठेकेदारों को लूटा है, लूटने का काम किया है। लोगों का कहना है ऐसा कोई सगा नहीं जो बिकाऊ लाल ने ठगा नहीं, एक एक आदमी को ठगने का काम किया है और जो लोग ठगे गए हैं, जो प्रताड़ित हुए हैं, जिन्होंने पैसा लिया गया है, वो सब कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगे। तो ये है सतीश अग्रवाल जो अपने प्रचार में लगे हुए हैं। आज का सियासी सफर ग्वालियरपुर विधानसभा में यहीं तक। आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।